My favorite skin and hair care products starting rupees 10. Hey, hi everyone. कैसे हो आप सब? तेर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर के लिए कुछ बेस्ट स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली देखो, मुझे 5 साल हो गए हैं यूट्यूब पे आए हुए और तब से लेके अभी तक मैंने ना जाने कितने सैकड़ों प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे, अपने स्किन पे यूज़ किए। सारे अच्छे रिजल्ट नहीं देते और जो अच्छे नहीं लगते हैं, जो ख़राब कर देते हैं स्किन को, हेयर को, उनको मैं बताती भी नहीं हूँ, फेंक देती हूँ। बट जो अच्छे लगते हैं, जो मैं डेली बेसिस पे खुद के स्किन पे, हेयर पे यूज़ करती हूँ, मैं आपको वही सजेस्ट करती हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ जिसको मैं अपने स्किन पे अलग अलग वे में यूज़ करती हूँ और साथ में हेयर पे मैं क्या यूज़ करती हूँ। बिना ज़्यादा देरी करते हुए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते, बट हाँ, प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और मुझे ये तो बताना कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है ना, हैप्पी नवरात्रि। और मुझे ये बताओ कौन कौन भाई व्रत है। फिलहाल मैं तो रहती हूँ, आई मीन फर्स्ट तो हूँ, अब रोज़ रहती हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। और फिर भी देखो मेरे में कितना जोश भरा हुआ है क्योंकि मैं बहुत सारा खाती हूँ। जस्ट किडिंग। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटू से प्रोडक्ट से जो कि सिर्फ 10 रुपये का है, बट ये बड़े काम का है। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअली ये 10 रुपये की पेट्रोलियम जेली है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में आए कि समर में क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पूरे फेस पे हम नहीं अप्लाई करेंगे ऑफकोर्स, बट हाँ कुछ जगह पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नोज़ के कॉर्नर का एरिया हो गया, लिप्स के अराउंड हो गया। बहुत सारे लोगों को ये फेस करना पड़ता है कि उनके ये वाले एरिया पे ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, यहाँ व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है देखने में। तो उस चीज से निपटने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद में वो गायब हो ही जाता है और उसके बाद में यहाँ की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और व्हाइट सी दिखने लगती है बाकी पूरे फेस के कंपेरिजन में। तो उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको एल्बो नीज पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड अगर चाहो तो इसी क्यूटिकल्स पे भी यूज कर सकते हो। तो इसी वजह से मैंने रखा हुआ है इसको, कभी कहीं जाना हुआ, कैरी करना हुआ, छोटू सा है, आराम से कैरी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में बड़ी हेल्प रहती है, बड़े बड़े बॉडी लोशन कहाँ हम लेके जा सकते, तो ये हमारे पास में एक्चुअली होना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूंगी विटामिन ई के ऑयल के बारे में, ये भी हमारे पास में होना चाहिए क्योंकि इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम बहुत सारे तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं, बट हाँ तरीकों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और सस्ता भी काफी ज्यादा ये आता है, 35 रुपये का ये पूरा पत्ता मिलता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 टैबलेट्स होती हैं विटामिन ई की। तो मैं इसको अंडर आई एरिया पे यूज़ करती हूँ डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करता है। अगर आपको यूज़ करना हो तो डेली रात में सोने से पहले फेस को क्लीन करके थोड़ा सा ऑयल अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर लो, मसाज कर लो, डेली यूज़ करोगे बहुत ही जल्दी आपको फर्क दिखेगा, डार्क सर्कल सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसको रेमिडीज़ में यूज़ करती हूँ, कोई फेस पैक बना रही हूँ या फिर कुछ भी हो गया, या फिर इसको फेस पे पूरे अप्लाई करके मसाज भी कर सकते हो। फेशियल ऑयल की तरह भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसमें भी हेल्प करता है और ये स्किन की डलनेस को, ब्लैकनेस को दूर करने में हेल्प करता है। तो ये ऑयल अच्छा रहता है, इसी वजह से मेरे पास में और मैं यूज़ भी करती रहती हूँ इसको। अगर आपको डार्क सर्कल्स या फिर फेशियल ऑयल की तरह कुछ यूज़ करना हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब चाहे समर हो या फिर विंटर हो, क्लेंजर तो सभी लोग यूज़ करते हैं और क्लेंजर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम 2 बार तो दिन में अप्लाई करते ही करते हैं। इसके अलावा कभी कहीं जिम चले गए, एक्सरसाइज कर लिया या फिर कहीं बाहर से आ रहे तब भी क्लेंजर अप्लाई कर लेते, तो 2-3 बार हम उसे दिन में यूज़ कर रहे हो। अगर वो बेकार हो गया ना, वो गलत यूज़ कर लिया ना, तो स्किन की ऐसी की तैसी होने वाली, इसी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे क्योंकि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे, अभी भी थोड़े बहुत है, धीरे धीरे मैं उनको सही कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी चेंज किए क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रोडक्ट की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने पुरानी कई सारी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दी और मैंने कुछ नई चीज़ें अपने रूटीन में ऐड करी, जैसे कि क्लेंजर मैंने एक नया बाय किया था, मुझे 20-25 दिन हो गए उसको यूज़ करते हुए, और वो है ये डर्मा वाइप का हाइड्रा क्लेंजर, ओट मील बेस्ड क्लेंजर है ये, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये। मैं बस इसको दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर लेती हूँ ऐसे जब यूज़ करना होता है, और फेस को वॉश करने के बाद में ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन को क्लीन कर देता है, मतलब डीपली क्लीन करता है और ये तुरंत समझ में आता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगती है। ये क्लेंजर स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करके भी रखेगा। बहुत सारे ऐसे क्लेंजर होते हैं इनको यूज़ करने के बाद में स्किन एक्सेस ड्राई हो जाती है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो स्किन के पीएच लेवल को में गड़बड़ कर देते हैं, बट इसके साथ में ये नहीं होगा। तो जब मैंने ये चीज़ पढ़ी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बस चेहरे पर लगाने के बाद में 40 से 45 सेकंड तक मैं मसाज करती हूँ, उसके बाद बस चेहरे को धुल लेती हूँ। तो क्लेंजर तो इस टाइम पर मैं यही यूज़ कर रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे फील भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे एक्ने कम हुए हैं, एक्चुअली वो बढ़ नहीं रहे जब से मैंने ये वाला क्लेंजर यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो मे बी ये हेल्प कर रहा है मेरी। तो क्लेंजर ये हो गया। अब क्योंकि मैं इसकी बात कर ही रही हूँ तो इसी ब्रांड के मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी लिए, तो मैं जल्दी से उनको भी बता देती हूँ। फिलहाल जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एक है ये फेशियल मॉइस्चराइजर और दूसरा है ये बॉडी लोशन। तो फेशियल मॉइस्चराइजर की अगर बात करें तो मेरे पास ये न्यूट्रीडर्म का है मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई, इसमें विटामिन ई का यूज़ किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने वाला है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन ऑयली है, मतलब चिपचिपापन फील नहीं होता है इसको अप्लाई करने के बाद में। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है। जब मैं समर में कोई मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ ना, मुझे बस
यही चाहिए होता है कि वो स्किन को ऑयली ना करे, थोड़ा बहुत स्किन के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करे, और ये उसमें हेल्प काफी अच्छी तरीके से करता है। जब इसको चेहरे पे लगाओ ना तो ये बहुत ही जल्दी हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, प्लस हमारे स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज भी कर देता है। आप इसको रूटीन के टाइम पे तो फॉलो करोगे ही मॉर्निंग में और नाइट में, बट आप जब मेकअप कर रहे होते हैं ना उसके पहले तो हम लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि मतलब मॉइस्चराइजर अलग से बाय करते हैं मेकअप के टाइम के लिए, तो मुझे नहीं लगता उसमें एक्स्ट्रा पैसे फंसाने की जरूरत है। आप अगर यही ले लेते हो ना तो मेकअप के पहले भी इसको यूज कर सकते हो, उससे मेकअप भी अच्छा आएगा क्योंकि स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है, चिपचिपा फील नहीं होता है, ड्राई नहीं रहती है स्किन, लॉन्ग लास्टिंग भी काफी ज्यादा है। तो हाँ, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारी तरीकों से हम यूज कर सकते हैं। और अगर बॉडी लोशन की बात करें तो ये डर्मा वाइप का है मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये भी काफी अच्छी तरीके से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीपली नरिश कर देता है मतलब, और लॉन्ग लास्टिंग काफी ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसको लगाने के बाद में आपको एक या फिर दो घंटे के बाद में फिर से लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक बार लगा लो 4-5 घंटे के लिए तो स्किन पे अच्छी तरीके से रहते ही है ये। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, बट अगर आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है तो उस केस में आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये डीपली स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, नरिश कर देता है, तो आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम जरा सी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और मैं खुद इसको यूज करती हूँ, एक्चुअली मेरी मम्मी ने भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। बस इसको अच्छी तरीके से लगा लो अपने हाथ पे, पैर पे, नेक वेक पे, और बस अपने स्किन को ऐसे रहने दो। तो अगर आप ये वाले प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो ना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली मेंशन कर दूंगी जहां से मैंने लिया था, अगर आप लोग यूज करना चाहो तो यूज करके देख सकते हो। बॉडी पे अगर कहीं कट लग गया है या फिर क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, स्पेशली आपके हाथों की स्किन और पैरों की स्किन, तो वहां पे मैं बोरोलिन यूज करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम होती है, तो यू नो नेचुरली स्किन को हील कर देती है और स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी कर देती है, तो तुरंत के तुरंत स्किन सॉफ्ट भी हो जाती है, और धीरे धीरे अगर क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना, तो उसको भी ये सही करने में हेल्प करता है। तो ये बोरोलिन मैंने 40 रुपीज की बाय किया था, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। इसे एल्बो और नीज पे भी यूज किया जा सकता है क्योंकि वहां की स्किन भी काफी ज्यादा हार्ड होती है, वहां की स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, डीपली नरिश करने के लिए बड़ा ही काम आता है। इसको लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको लिप्स पे कट लग गए ना, कभी कभी लिप्स पे होने जाता है, स्किन निकलने लगती है और वो ब्लड भी आ जाता है, बहुत दर्द होने लगता है, तो इस चीज में ये बहुत ही ज्यादा सीरियसली हेल्प करता है। डेली रात में सोने से पहले इसको लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लो और ऐसे रहने दो, आप 2-3 दिनों में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखोगे कि आपके लिप्स सॉफ्ट भी हो जाएंगे, साथ में ये हील भी बहुत जल्दी कर देता है स्किन प्रॉब्लम को, तो इसकी ये चीज मुझे अच्छी लगती है, इसी वजह से ये मेरे पास में है, और ट्रैवलिंग में भी बड़ा इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं। इस टाइम जो मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है वो एक्चुअली ये पॉन्ड्स की सनस्क्रीन है, नॉन ऑयली सनस्क्रीन है, और क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली सेंसिटिव है और क्योंकि गर्मी भी है तो यू नो स्किन पे बहुत सारा ऑयल आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो और ज्यादा ना है, इस वजह से ये वाली सनस्क्रीन मेरी बड़ी हेल्प करती है। कि मतलब इसको बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन आपने यूज किया होगा कि लगा लो तो अजीब सी स्किन चिपचिपी सी लगने लगती है, सबके साथ में हुआ है ना ऐसा, पता नहीं मैंने कौन कौन सी यूज करी हुई है, बहुत ऐसा होता था, बहुत इरिटेशन होती थी, बट जब से मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसको यूज करना स्टार्ट किया, ये वाली और लैक्मे वाली थी वो खत्म हो गई, तो मैं इस पे आ गई, मैंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, दोनों के साथ सेम ही है, लगाओगे बहुत ही जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, स्किन को ऑयली नहीं करती है, बेस्ट चीज है, और अच्छी तरीके से हमारा स्किन को प्रोटेक्ट कर लेती है, क्योंकि इसमें SPF 50 का यूज किया गया है और इसमें PA++++ UVA UVB है, तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सन की यूवी रे से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली है। यूवी रे से देखो सिर्फ टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्किन डार्क हो जाती है, ऑफकोर्स टैनिंग हो जाती है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो अगर ये वाली सनस्क्रीन यूज करोगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, मतलब जो प्रॉब्लम है वो तो ये सही नहीं करेगा क्योंकि ऑफकोर्स सनस्क्रीन ये कोई रेमेडी तो नहीं है, बट हाँ ये उस प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देगा, तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आई थिंक ड्राई स्किन के लिए भी चल जाएगा तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, फिलहाल मुझे तो सूट करती है तो मैं यूज करती हूँ, और प्राइस की रही बात तो ये 170 रुपीज की मिल जाती है। हम चाहे कितने ही अच्छे क्लेंजर से अपने चेहरे को क्यों ना धुल लें, फिर भी चेहरे को धुलने के बाद में थोड़ी बहुत गंदगी, बैक्टीरिया, जर्म्स हमारे चेहरे पे रह जाते हैं ना, तो उसे क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है, और उसे क्लीन करने में हेल्प हमारी करता है टोनर, तो टोनर भी हमारे पास में होना चाहिए और जरूर यूज करना चाहिए। तो टोनर की बात करें तो मेरे पास ये इंदुस वैली का है फेशियल टोनर, फ्रेश रोज वाटर गुलाब जल, तो मैं यही वाला यूज करी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, तो आई थिंक रोज वाटर ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, तो इसी वजह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सारे इसमें केमिकल्स यूज नहीं किए गए हैं, यू नो, और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें है, तो बस इसी वजह से मैं इसको यूज करूँ, मुझे सूट भी कर रहा है तो मैंने कहा चलो ठीक है, और काफी ज्यादा एक्चुअली खत्म हो गया है, नॉर्मली मैं एज अ टोनर भी यूज करती हूँ, रेमेडीज में भी इसको यूज करती हूँ, तो हाँ
प्राइस की बात करो तो 299 में ही हमको मिल जाएगा 250 ml की ये बॉटल है। बट हाँ, मैं टोनर को हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। समर में फ्रिज में रखा, जब भी यूज करना हो फिर फ्रिज से निकाला, अपने चेहरे पे लगाया, उसके बाद फिर से फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ठंडा टोनर ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लिप बाम तो मेरे पास एक्चुअली कई सारे, दो तो मेरे वही है अगर आपको याद हो, ये मेबेलिन के मेरे पास अभी तक चल रहे हैं, पता नहीं कब किस जन्म में खत्म होंगे। इसलिए भी क्योंकि मैं दूसरे भी ट्राई करती रहती हूँ, तो तीन इस टाइम पे मेरे पास है। दो ये मेबेलिन के ही, एक न्यूड है, मतलब कि उसमें सिर्फ शाइन सा है, और सेकंड वाले में कलर है, मरून कलर है। तो जैसे मेरा जो मूड हो गया वो लगा लेती हूँ, बाहर जाने पे मैं ये वाले यूज़ कर लेती हूँ, घर पे मैं ये ममअर्थ का यूज़ कर लेती हूँ, ये भी नेचुरल लिप बाम है तो, और मुझे सही लगता है, तो इसी वजह से। प्राइस वगैरह की बात करें तो प्राइस भी इनका सही है, ममअर्थ वाला 149 का है। एंड ये जो मेबेलिन के लिप बाम है, ये मैंने एक्चुअली ऑनलाइन लिए थे बहुत साल पहले, बहुत नहीं मतलब 3-4 साल आई थिंक हो गए होंगे, 2-2.5 साल हुए होंगे तब लिया था मैंने, और मुझे प्राइस इसका याद नहीं है। एक मेरा जो फेवरेट ऑयल है, जो मैं बॉडी पे यूज़ करती हूँ, अपने चेहरे पे यूज़ करती हूँ, मसाज में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो हेल्प करता है, या फिर रेमेडीज़ में कभी ऑयल यूज़ करना पड़ जाता है ना, तो उसमें जो मैं ऑयल यूज़ करना सबसे ज़्यादा अच्छा समझती हूँ वो ऑलिव ऑयल है। और ये मेरे पास ये वाला ऑलिव ऑयल है अफिगारो का, स्पेनिश ब्रांड, सिंस 1999 मैंने सोचा मैं पूरे पढ़ देती हूँ। इसको मैं फेस पे लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ, मैं बॉडी भी अप्लाई करती हूँ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं जो स्किन को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे ट्राई करना चाहिए। मेरे पास में एक और बॉडी पॉलिशिंग ऑयल है, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी स्मेल मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो कैफीन का है, इसमें कॉफ़ी का यूज़ किया गया है ना, तो इसकी स्मेल भी कॉफ़ी वाली होती है जो बड़ी अच्छी लगती है। इसको मैं बॉडी वॉडी पर यूज़ करती हूँ, इसको मैं फेस पर नहीं अप्लाई करती हूँ, बट हाँ अपनी बॉडी पर यूज़ कर लेती हूँ, पैरों वैरों पर, अपने हाथ पे, स्टमक पे, यू नो नेक वेक पे अच्छी तरीके से मसाज कर लेती हूँ। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छी तरह स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, डीपली नरिश कर देता है, और उसके बाद में इसको लगा के मतलब रखती हूँ 10-15 मिनट, उसके बाद में बस मैं क्या करती हूँ, नहा लेती हूँ। तो मतलब मेरे मूड के ऊपर देखो डिपेंड करता है, मेरे को मन करता है मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ या फिर वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। ये सभी के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सेफ होगा, तो अगर कोई बॉडी ऑयल आप ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ट्राई कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो मैं सोच रही थी कि मैं हेयर ऑयल भी आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मैं इंदुलेखा युग का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हेयर फॉल 3-4 महीने पहले बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा हो रहा था, पता नहीं क्यों, मैंने बहुत कुछ किया बट कुछ असर नहीं हो रहा था। मेरे को एक भाभी ने सजेस्ट किया, मेरी फैमिली में भाभी, उन्होंने बताया कि इंदुलेखा ऑयल लगा, उनको बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, एक हफ्ते में उनके बाल मतलब निकलने लगे थे आगे आगे के, और उन्होंने लगाया और वो बाल फिर से वापस आ गए हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ है जान के कि मतलब ऐसा क्या मैजिक है। मैंने यूज़ किया, मेरे साथ तो ऐसा खैर नहीं हुआ कि मतलब बाल कहीं के चले गए और वो आ गए, बट हाँ मुझे लग रहा है हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए यही अभी मतलब काफ़ी है कि हेयर फॉल जो है ना भाई वही रुक जाए, मेरे को और ज़्यादा फेस ना करना पड़े, वरना फिर 1-2 महीने के बाद में मैं टकली होके घूमूंगी। तो हाँ, इसी वजह से मुझे अच्छा लग रहा है और कुछ हार्म भी नहीं कर रहा है, तो अभी के लिए यही है। बाकी मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे इससे बेटर कुछ अगर हेयर ऑयल मिल जाएगा तो मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। फिलहाल इसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए गए हैं और ये अच्छा भी है, 430 रुपये का आता है और काफ़ी अच्छे से चल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ कि मसाज करते हुए इसको लगा लेते हैं, तो हाथों से मसाज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाथ पे ऑयल भी नहीं लगता है, और यू नो कॉम की हेल्प से लगा सकते हैं ऑयल को, तो बस इसी वजह से मुझे अच्छा लग रहा है वाला और मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर बात करूँ मैं सोप की, तो समर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो मैंने पेयर्स पे स्विच कर दिया है, मैंने डव अभी यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि समर में मुझे मेरे स्किन पे पेयर सोप यूज़ करना ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो बस ये था मेरा सिंपल सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर कोई भी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है। यही बेंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।